नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बार मेरे चैनल द अनपॉपुलर पॉडकास्ट में। दोस्तों, तो पिछली बार हमने राजयोग पर हमारा डिस्कशन शुरू किया था दोस्तों। तो चलिए आज हम उसी किताब राजयोग, जिसके रचयिता हैं स्वामी विवेकानंद, उस पर हमारा वार्तालाप आगे लेके जाते हैं। दोस्तों, तो पिछली बार हमने ये जानने का कोशिश किया था कि राजयोग क्या होता है, और हमने प्राण इसके बारे में बात किया था, और हमने कहा था कि ये प्राण जो है वो हर मनुष्य के अंदर होता है, और छोटे से छोटा कण से लेकर बड़े से बड़ा ग्रह सबके अंदर ये प्राण होता है। तो दोस्तों, चलिए आज हम यही जानने का कोशिश करते हैं कि ये प्राण ये है क्या आखिरकार, और इससे एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों तो राजयोग में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे प्राचीन भारत के जो ऋषि मुनि थे, जो ये योगिक प्रैक्टिसेस में एक्सपर्ट थे, और उनका ये मानना था कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी हम देखते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स है, सब एक एलिमेंट है आकाश, उससे वो फॉर्म होते हैं। और ये आकाश एलिमेंट जो है, जो हर जगह है, विच इज़ ऑल परवेडिंग, उसका मूल स्वरूप या ओरिजिनल फॉर्म है प्राण। तो अर्थात दुनिया या ब्रह्मांड जब फॉर्म हो रहा था, तो सबसे पहले प्राण था। ये प्राण से हमें मिला आकाश, और ये आकाश जब अलग अलग रूप धारण किया, तभी हमें मिला धरती, दूसरे ग्रह। अर्थात ब्रह्मांड में हम जो भी देखते हैं वो हम देख सकते हैं, क्योंकि वो आकाश ने वो फॉर्म लिया। तो अगला क्वेश्चन तो ये होगा कि ठीक है, अगर प्राण है और उससे आकाश बनता है, और आकाश से इतने सारे जो भी हम चीज़ देखते हैं, जो भी हम छोटे से छोटा कण या मनुष्य के अंदर भी जो एलिमेंट है वो है प्राण, तो वो हम देख क्यों नहीं पा रहे है ना। तो इसका उत्तर ये होगा दोस्तों कि ये प्राण इतना सटल है कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। और वो जब ये प्राण आकाश का फॉर्म लेता है, और जब उसका ग्रॉस मैनिफेस्टेशन फॉर्म होता है, तब हम उसे महसूस कर पाते हैं। तो अगर मैं इसका एक उदाहरण आपको दूं, तो मान लीजिए आप एक ओशन को देख रहे हैं, तो वो ओशन के अंदर तो कितने सारे पानी के बूंद है, बिलियंस या ट्रिलियंस पानी के बूंद, और सब। और मान लीजिए कि एक छोटा पानी का बूंद कहीं पर हिलता है, तो क्या आप उसे महसूस कर पाते हैं? नहीं। परंतु जब बहुत सारे पानी के बूंद एक साथ मूव होते हैं और तट तक आते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि एक बड़ा सा वेव जो है वो हम महसूस कर पाते हैं, है ना। उसी तरह हम इस ब्रह्मांड में प्राण के ओशन में हैं, और ये प्राण का जब ग्रॉस मैनिफेस्टेशन होता है, और इसका एक ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, या वो कोई रूप लेता है, रूप ग्रहण करता है, तब हम उसे महसूस कर पाते हैं। अगर मैं और एक उदाहरण आपको देना चाहूँ, तो आप तो ये जानते ही हैं कि हमारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं। ये विजिबल लाइट जो है, साउंड जो है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, और ये एक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हम महसूस कर सकते हैं, है ना। पर आप जानते ही है कि ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, जो हमारे ह्यूमन सेंसेस जो है महसूस नहीं कर पाते हैं, परंतु ऐसे कई जानवर हैं जो उसे देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो ये प्राण भी कुछ ऐसा ही है कि ये इतना सटल है कि हमारे ऑर्गन्स इसे महसूस नहीं कर सकते हैं, पर जब ये कोई ग्रॉस उसका मैनिफेस्टेशन होता है, तब हम उसे महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, तो राजयोग में स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं कि प्राणायाम जो है वो मूल स्वरूप में एक टेक्निक या प्रोसेस है, जिससे हम ये प्राण जो है उस पर मास्टरी ला सके। तो ये प्राण जो है
जैसा मैं कह चुका हूँ, ये हर मनुष्य, हर छोटे से छोटा कण से लेकर बड़े से बड़ा ग्रह, सबका मूल स्वरूप है ये प्राण, और ये हमारे अंदर भी है। और ये प्राण जो है उसी की वजह से हमारा ब्रीदिंग जो है वो भी पॉसिबल है, जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। और हमारा लंग्स का जो मोशन है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन, ये भी प्राण की वजह से ही होता है। तो प्राणायाम का आइडिया ये है कि हम प्राण पर मास्टरी ला सके। और वो मास्टरी हम कैसे ला सकते हैं? बाय कंट्रोलिंग और ट्राइंग टू लर्न हाउ टू कंट्रोल प्राण इन द ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस। तो हम जब ये ह्यूमन फॉर्म में है, तब क्लोजेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राण क्या है? हमारा ह्यूमन बॉडी है ना। तो प्राणायाम वो प्रोसेस है जिससे हम हमारा प्राण जो है उस पर, हमारे अंदर जो प्राण है उस पर एक हद तक मास्टरी पा सके। इसी कारण हम हमारे ब्रीदिंग जो है उस पर फोकस करते हैं, और प्राणायाम में उससे हम हमारा प्राण जो है उस पर मास्टरी पाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, तो ये प्राण पर कंट्रोल पाकर या उस पर मास्टरी पाकर हम क्या कर सकते हैं, या हमें ये करना भी क्यों चाहिए? दोस्तों, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि, और जैसे मैं कह चुका हूँ पहले भी, कि ये प्राण जो है ये ब्रह्मांड में छोटे से छोटा कण से लेकर बड़े से बड़ा ग्रह सब में होता है ये प्राण। तो एक छोटे से छोटा मशरूम जो है, एक अमीबा जो है, फिर एम्फीबियन से लेकर जानवर से लेकर मनुष्य तक, सबके अंदर प्राण होता है। और ये है डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राण। और जब हम प्राणायाम करते हैं या प्राण पर मास्टरी पाते हैं, तब ये होता है कि हम हमारा एनर्जी जो है उसे फोकस कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस एवोल्यूशन, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। तो इससे क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद एक कोल ट्रेन का एग्जांपल देते हैं, क्योंकि उस टाइम तो कोल्स के ट्रेन चलते थे, कि अगर एक ट्रेन चल रहा है और उसमें हम कोल का क्वांटिटी दुगना कर दें, तो उससे क्या होगा? वो ट्रेन और फास्ट चलने लगेगा, है ना। और मान लीजिए पहले वो ट्रेन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करता था, और मान लीजिए हम अब ज़्यादा कोल जला रहे हैं, तो ट्रेन और फास्ट चलेगा और वही डिस्टेंस अब 1 घंटे में कवर कर पाएगा। उसी तरह जब हम प्राणायाम करते हैं और ये प्राण पर मास्टरी पाते हैं, तब हम हमारा जो एनर्जी है उसे फोकस कर सकते हैं टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। और उससे ये होगा कि हमारा गोल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जो है उसे हम एक शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, तो प्राण और प्राणायाम के विषय में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, हाउ टू कंट्रोल द प्राण इज द वन आइडिया ऑफ प्राणायाम। ऑल द ट्रेनिंग्स एंड एक्सरसाइजेस इन दिस रिगार्ड आर फॉर दैट वन एंड। Each man must begin where he stands, must learn how to control the things that are nearest to him. This body is very near to us, nearer than anything in the external universe. And this mind is the nearest of all. The prana which is working this mind and body is the nearest to us of all the prana in the universe. This little wave of the prana, which represents our own energies, mental and physical, is the nearest to us of all the waves of the infinite ocean of prana. If we succeed in controlling that little wave, then alone we can hope to control the whole of prana. The yogi who has done this gains perfection. No longer is he under any power. तो दोस्तों, चलिए, इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं कि ये प्राण क्या होता है। अगर आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप राजयोग ये किताब ज़रूर पढ़िए। इसमें स्वामी विवेकानंद ने बहुत संक्षिप्त में और बहुत सरल तरीके से एक्सप्लेन किया है प्राण के बारे में, योगा के बारे में, और
ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। दोस्तों तो चलिए, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो से आज आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगले वीडियो तक आपका ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार।